ये क्रिस्पी दिख रहा है ना, ये आलू के चिप्स। जी हाँ, ये बिल्कुल इंस्टेंट बनाए हैं मैंने। ना ये आलूओं को उबालना है आपको, ना उन्हें सुखाना है, बहुत ही इंस्टेंट बनने वाले चिप्स हैं ये। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि आपका कौशिक जी किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं आलू के चिप्स। उसके लिए हमने यहाँ पे दो आलू लिए हैं। इस साइज के ले लीजिए आप, थोड़े से बड़े साइज के ले लीजिए। इन्हें छील लें अच्छे से और इस तरह से जो टिश्यू पेपर है उससे इस तरह से इसे पोंछ लीजिए, जिससे कि इनके ऊपर जो भी मॉइस्चर पानी टिश्यू पेपर। फिर हमें इस तरह से कटर लेना है, चिप्स कटर। उसे इस तरह से आप कट करिए इसे, आप जिस साइज का भी बनाना चाहें चिप्स उस साइज तरह के बनाइए। मैंने ये जिगजैग वाला थ्रेड यूज कर रही हूँ, जिसमें से इस तरह से चिप्स निकल के आएंगी। देखिए आप, जिगजैग वाली चिप्स निकल के आएंगी। आप नॉर्मल बिना इस तरह का थ्रेड लेना चाहें तो आप उस तरह का ले सकते हैं। ये देखिए, ऐसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए लंबे लंबे चिप्स काट लीजिए। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। जब ये तल के निकलेंगे तब बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए, मैंने सभी आलूओं के चिप्स काट लिए हैं। अब हम एक एक चिप्स को इस तरह से लेके इनपे से मॉइस्चर हटाएंगे, क्योंकि काम हमने इन्हें घसा है इसलिए इन पे मॉइस्चर जो निकल के आया है, उसके अंदर का पानी है वो निकल के आया है। उसे हम इस तरह से टिश्यू पेपर पे रख के पोंछ लेंगे, जिससे कि वो जो एक्सेस पानी है, जिसकी वजह से अगर हम इसी टाइम इसे तलेंगे तो ये चिप्स को बिल्कुल सॉफ्ट कर देंगे। इसलिए हम इस पानी को इस तरह से टिश्यू पेपर से सॉफ्ट हटा देंगे और सभी चिप्स को इस तरह से क्लीन कर लेंगे, पानी को हटा देंगे टिश्यू पेपर की मदद से। एक एक करके इस तरह से हटा लीजिए। और अगर आपको जल्दी करना है तो आप एक साथ ही प्लेट में रख के ऊपर से टिश्यू पेपर से पानी हटा दें। ये देखिए, पूरा मॉइस्चर हट जाएगा तो हमारी चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। जल्दी करना हो तो इस तरह से टिश्यू पेपर से जो कटी हुई चिप्स हैं उन पे इस तरह से पानी को सोख लें और दूसरी प्लेट में निकाल लें। ये मैंने दूसरी प्लेट में निकाल लिए। अब एक एक बैच को तल लेते हैं। आप ध्यान रखिए, तेल बिल्कुल तेज गर्म हो, जब उसमें धुआं निकल रहा हो तब आपको तेल में ये चिप्स डालनी है और फिर आपको गैस को मीडियम फ्लेम से कम कर देना है। मतलब आपको तेज फ्लेम में डालना है और फिर इसे मीडियम फ्लेम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जल्दी जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, जल जाएंगे और ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपको हाई फ्लेम में डालना है चिप्स को और फिर मीडियम फ्लेम कर देना है। मीडियम फ्लेम पे ही पूरी चिप्स को पकाना है आपको। ये चीज आपको ध्यान रखनी है चिप्स बनाते वक्त। अलट पलट कर दीजिए धीरे धीरे। जब आप चिप्स तेल में डालें तो एक साथ इकट्ठा करके नहीं डालें, एक एक चिप्स तेल में डालें, तभी वो अच्छे से पकेंगी और क्रिस्पी भी बनेंगी। ये देखिए, हमारे चिप्स पकने लग गए हैं। एक बार और अलट पलट कर देंगे, फिर हम इसे निकाल लेंगे। ज्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें, आपको खुद ही ये बहुत ही क्रिस्पी दिखने लग जाएंगे ऑयल में ही, तब आप इन्हें निकाल लें।
ज़्यादा अगर इन्हें डार्क सेकेंगे तो फिर इनमें टेस्ट चेंज हो जाएगा और कड़वा टेस्ट आने लग जाएगा। अभी ये बिल्कुल सही है, पक गई हैं अच्छे से, इन्हें निकाल लीजिए। बहुत ही क्रिस्पी बनी है, देख लीजिए, और इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए और बाकी बैच को भी इसी तरह से तल लीजिए। एक एक करके चिप्स डालिए तेल में, मैंने फ्लेम हाई कर दी है, एक एक चिप्स डाल रही हूँ तेल में। सारी चिप्स डालने के बाद मैं ऑयल को, गैस को मीडियम फ्लेम से कम कर दूंगी। तरह से सभी चिप्स को टिश्यू पेपर पे निकाल लें। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ना, और भी सारी हम इसी तरह से तल के निकाल लेंगे। बच्चों को जब कुछ भी चिप्स खाने का मन हो और आप अभी बाहर भी नहीं जा सकते, आपको चिप्स भी बनानी है बच्चों के लिए बिल्कुल बाजार जैसी, तो आप इस तरह से चिप्स बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाती है और देखिए कितनी क्रिस्पी भी बनी है। इनमें अब हम थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक का यूज करें, और रेड चिली पाउडर की जगह आप यूज करें ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा हम इस पे चाट मसाला डाल देंगे बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर लाने के लिए। कितने जल्दी बन जाते हैं ना ये चिप्स, देखा आपने, और बिल्कुल क्रिस्पी बन रहे हैं। ऐसे ऊपर नीचे करके मिक्स कर लीजिए पूरा। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारे चिप्स तैयार हैं। चिप्स तैयार हैं, आवाज से ही आपको पता लग रहा होगा कितने क्रिस्पी बने हैं। और ये देखिए, आप भी इस तरह से कभी भी चिप्स बना के खा सकते हैं बहुत ही जल्दी आसानी से। आप भी इस तरह से बनाइए और अपनी व्यूज और कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।